आज हम आफिया हाइट्स से नीचे खड़े हैं नागपाड़ा इलाके में। जैसा कि आफिया हाइट्स कई बार सुर्खियों में रह चुकी है, कई बार इसका डेमोलिशन ऑर्डर आया है, इस बार फिर आज अचानक में डेमोलिशन की कार्रवाई होने वाली ऐसा सूत्रों से पता चला है। बीएमसी किसी भी वक्त इधर आ सकती है और डेमोलिशन का ऑर्डर पास हो चुका है। आप देख सकते हैं सारी बिल्डिंग एक तरफ जमा है, प्रोटेस्ट में लगी है। इतनी कड़क धूप होने के बावजूद भी पूरी बिल्डिंग अपनी एकता दिखा रही है। अब देखना है कि अगर बीएमसी आती है तो वो कार्रवाई कर पाती है या नहीं। वही हमारे F3 न्यूज़ की टीम ने आमिन पलिया के जो स्थानीय ML उनसे भी बात करने की कोशिश की है। उन्होंने बोला है कि 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, वो कोशिश कर रहे हैं कि मामला सॉल्व हो जाए। वही ML वारिस पठान से भी, जो कि बहुत सुर्खियों में रहते हैं सब मामले में, तो उनसे भी बात करने की कोशिश की, पर वो जैसा कि आउट ऑफ मुंबई या पुणे में है, तो उन्होंने बोला कि मैं भी फ़ोन करके बात करता हूँ BMC ऑफिसर से। अब देखना ये है, जो आफिया हाइट्स इतनी सुर्खियों में रहती है, कई बार बिल्डर का भी नाम इनका आ चुका है, इनके बिल्डर के भी कई आरोप लगे हैं, अभी डेमोलिशन का ऑर्डर भी पास हो गया है, ये कब BMC आएगी, कब नोटिस देगा किसी को पता नहीं है। बिल्डिंग वाले का भी कहना कि अचानक में ऐसा पता चला गया, BMC आके मैसेज आया कि भाई BMC आके कार्रवाई करेंगे इन लीगल पे। अब यही देखना है, F3 न्यूज़ के साथ बने रहे, हम आपको बताएंगे इसका क्या क्या होगा अगला कदम BMC का, क्या इसकी डेमोलिशन होता है या फिर इसका क्या रुक जाता है। जुनेश शेख, F3 न्यूज़ साइनिंग ऑफ। हे देयर, Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.